बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, क्योंकि मर्डर की ताबड़तोड़ वारदातों से राजधानी दिल्ली के लोग बहुत दहशत में हैं। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की हत्या हो चुकी है और सबसे बड़ा सवाल दिल्ली की पुलिस पर है। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 9 लोगों की हत्या से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। वसंत विहार में 3 लोगों और मोहन गार्डन में 2 लोगों की हत्या की गई है। कल मेहरौली इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई थी। वसंत विहार में दंपत्ति और नौकरानी की हत्या, मोहन गार्डन में शिक्षक और उसकी पत्नी का मर्डर। सीसीटीवी फुटेज और सबूतों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तीनों वारदात में चाकू का इस्तेमाल हुआ, बेरहमी से किया गया कत्ल। दिल्ली के वसंत विहार में हुए ट्रिपल मर्डर के पीछे किसी परिचित का हाथ होने का शक है। पुलिस के मुताबिक घर में फ्रेंडली एंट्री हुई और घर के जानकार लोगों ने ही फ्लैट में रहने वाले बुजुर्ग दंपति और नौकरानी की हत्या की। वहीं मोहन गार्डन में भी पति पत्नी की हत्या हुई है। यहां पर अज्ञात बदमाशों ने दिव्यांग टीचर और उनकी पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान हरिवल्लभ सिंह और शांति देवी के रूप में हुई है। ये जानकारी मिली है कि तीनों का जो मर्डर है वो किसी तेजधार हथियार से गला रेत करके उनकी हत्या की गई है, और जो मृतकों की पहचान हो पाई है उसमें जो शशि माथुर हैं, जो कि CGHS से रिटायर्ड हैं, और वहीं पर जो उनकी पत्नी हैं शशि माथुर, वो जो हैं NDMC से रिटायर हैं, और जो खुशबू नोटियाल जो घर में काम करती थी नौकरानी, उसका नाम है। जो स्टार्क चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि घर की एंट्री जो है वो बिल्कुल फ्रेंडली है। दूसरी चीज, घर में किसी तरीके की कोई रेंसैकिंग नहीं हुई है, तो प्राइमर फेसी ऐसा लग रहा है कि लूटपाट या रॉबरी इस हत्या का मोटिव प्राइमर फेसी नहीं लग रहा है। 24 घंटे के लिए नौकरानी रखी हुई थी, हेल्थ नर्स टाइप की, तो उनका पैर टूटा हुआ था सिस्टर का। अच्छा। तो फ्रैक्चर हो गया था, तो उसी चक्कर में फिर उसको एंगेज करा गया था। क्या करते थे माथुर दंपति? माथुर दंपति रिटायर्ड थे, रिटायर्ड लाइफ थे। बच्चे कहाँ रहते सर? एक लड़की है उनकी, वो ग्रेटर नोएडा में है। एक बड़ी खबर यह है कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके करारा जवाब दिया था, और यही नहीं, भारत ने समुद्र में भी पाकिस्तान से निपटने की बड़ी तैयारी कर ली थी। पुलवामा अटैक के बाद नौसेना को अभ्यास से हटा लिया गया था और परमाणु पनडुब्बियों समेत कई सबमरीन्स को पाकिस्तानी जल सीमा के पास तैनात कर दिया गया था। भारतीय नौसेना की ओर से सबमरीन्स की तैनाती और आक्रामक तेवरों को देखते हुए पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भारत की ओर से किसी भी वक्त जल सेना को बदले की कार्रवाई का आदेश दिया जा सकता है। भारत लगातार पाकिस्तानी सेना पर नजर रखे हुए था, लेकिन बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की सबसे एडवांस माने जाने वाली ऑगस्टा क्लास सबमरीन PNS साध उसके जल क्षेत्र से गायब हो गई थी। लंबे समय तक पानी के भीतर रहने की क्षमता वाली इस सबमरीन के गायब होने के बाद भारतीय नेवी को चिंता हुई थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि ये पनडुब्बी कराची के पास से गायब हुई थी और ये 3 दिनों के भीतर गुजरात के तट तक पहुंची थी। इसके अलावा 5 दिन में ये पश्चिमी फ्लीट के मुख्यालय मुंबई पहुंच सकती थी, जो देश के लिए बड़े सुरक्षा खतरे की बात हो सकती थी। ऐसी स्थिति में नेवी ने पाकिस्तानी सबमरीन की जमकर तलाश की और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर कहां पर ये हुआ है। अंत में 21 दिनों के बाद ये पनडुब्बी पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में मिली। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। जी न्यूज पे खबरें जारी।